कन्हैया कुमार कुकुरमुत्ता उठा के वही उल्टा लटका देते हम लोग। कन्हैया कुमार जो है खुद चपरासी नहीं बन पाएगा, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएगा। केरला में राहुल गांधी शराब पी के निकल रहे हैं अपने नेताओं के साथ में, वीडियो वायरल हो रही है। मेरे जूते के नोक पर रखता हूं मैं कन्हैया कुमार जैसे राष्ट्रद्रोहियों को। यासीन मलिक के बगल में उसकी जगह है। अभी कांग्रेस में पहले वो भारत तेरे टुकड़े होंगे हिंसा हिंसा बोलता था, ठीक है। अब वही मैं आपके चैनल पे उसको गाली देने के लिए मन कर रहा है, लेकिन मैं दूंगा भारत जोड़ो यात्रा। अब भारत तोड़ो पहले करता था, भारत जोड़ो पहुंचे कहां तो वही आतंकवादी पार्टी राहुल खान की पार्टी में पहुंच के और वही एक्टिंग कर रहा है। अब वो हिंदू आर्मी के अब क्या है, हम तो कानून का वो करते हैं जो है बहुत इज्जत करते हैं संविधान का, नहीं तो उसको उठा के वही उल्टा लटका देते हैं हम लोग। सही बता रहे हैं आपको, हमारे हत्थे चढ़ जाए और हमें संविधान अगर परमिशन दे तो। कन्हैया कुमार कह रहा है 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। कन्हैया कुमार जो है खुद चपरासी नहीं बन पाएगा, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएगा। वो खुद की औकात नहीं है, हम लोग के टैक्स पे टुकड़ों पे पल के और 10 बार फेल होके जबरदस्ती अपने आप को स्कॉलर बताने वाला कुकुरमुत्ता जो आज एक पद पा गया है कांग्रेस के अंदर, वो राहुल खान को प्रधानमंत्री बनाएगा। अब इस देश में खान और औरंगजेब की सरकार नहीं होगी, ध्यान से सुन लीजिएगा। अब यहां योगी और मोदी और राष्ट्रवाद की जो बात करेगा उसकी सरकार होने वाली है। ये राहुल खान और कन्हैया कुमार जैसे कुकुरमुत्ते बोलते रहेंगे। राहुल गांधी के पैर भी छाले पड़ गए। अरे वो सब नौटंकी है, 75,000 का टी शर्ट पहनने वाला आदमी के छाले दिखावे के लिए है। मीडिया में कुछ भी बता दीजिए और उनकी जो वामपंथी मीडिया है, जो क्वांट है, द हिंद है, तो ये कुकुरमुत्ते टाइप की जो मीडिया उन्होंने पाल रखी है, तो वो भैया राहुल गांधी जो बोलेंगे वो बताएंगे। बात समझने का प्रयास करिए, वो राष्ट्रवाद को गोदी मीडिया बोलते हैं, समझने का पड़े। मैंने जो सच दिखाया वो गोदी मीडिया हो गया, और जो राहुल खान की बात करे वो निष्पक्ष मीडिया हो गया, जो हिंदुत्व की बात करें या राष्ट्र की बात करें वो जो है वो क्या है, तो गोदी वाला हो गया। ये कोई बात थोड़ी नहीं है। राहुल खान सपने में भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ध्यान से समझ लीजिएगा। सपने में भी राहुल खान कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। और कन्हैया कुमार जैसे कुकुरमुत्ते, मैं बताऊं, मेरे जूते के नोक पर रखता हूं मैं कन्हैया कुमार जैसे राष्ट्रद्रोहियों को। पता नहीं क्यों अमित शाह जी ने उसको छोड़ रखा है, उसको तो सरजी इमाम की तरह जो मेरे बैरक के बगल में था तिहाड़ में, ऐसे राष्ट्रों में उसको बंद कर देना चाहिए आजीवन कारावास में। यासीन मलिक के बगल में उसकी जगह है, एक बात बता दें आपको। और आज नहीं कल कोई बात नहीं, अभी वो एक विपक्ष पार्टी का सहारा लेकर बच गया है, कोई बात नहीं, देर है अंधेर नहीं है। PFI भी सोचती थी कि हमारे ऊपर कभी कार्रवाई नहीं होगा, भैया अब राहुल खान की और उनकी मम्मी की और मनमोहन सरकार नहीं है, ठीक है, अब बोलने वाली सरकार है। मोदी जी बोलते हैं वो करते हैं। आज अमित शाह जी ने दिखा दिया कि उनके पास NIA है और NIA ऐसे राष्ट्रद्रोहियों पे कार्रवाई करने से बिल्कुल हिचकिचाएगी नहीं और न डरेगी। वो चाहे तुष्टिकरण का कारण हो, वो राष्ट्रवाद से कोई समझौता नहीं करेगी। ये PFI पे जो ये हुआ है, इससे चंद्रशेखर रावण इन जैसे जितने भी कुकुरमुत्ते हैं सबका कमर टूट जाएगा।